हमारे पिताजी ने हमारी खेती में सुसाइड किया। मैं 13-14 साल का था, तब से बहुत कठिनाई का सामना किया। दो दो तीन तीन दिन हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, खाने को नहीं मिलता था। स्कूल में सर एक 100 रुपये की फी भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं रोता था। तब से मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे बच्चों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जब ऐसे बच्चे रास्ते पर भीख मांगते हैं या फिर छोटी मोटी चीजें बेच के खुद का गुजारा करते हैं, तब मैं उनको इसलिए रिलेट कर पाता हूँ कि मैं वो कभी तो वो दिन जिया हूँ। मैं जब 2016 में हमने स्कूल शुरू किया तो मैंने दिन रात फंड जमा करने के लिए मैंने खुद ने रिक्शा चलाई। जहाँ उनकी बस्ती रहती है या फिर जहाँ वो रहते हैं, वहाँ जाके हम उन सब बच्चों को इकट्ठा करते हैं, उनको पढ़ाने का काम करते हैं। जो मंथली उनको जो राशन लगता है तो वो राशन प्रोवाइड करते हैं। 70% बच्चे भीख नहीं मांगते आज, उनको स्कूल अच्छा लगना लगा है। पिछले 3 साल में मेरे पास जितना भी जो भी कुछ था सब बेच के मैंने उन बच्चों के लिए अभी जमीन खरीदी है कि जहाँ मैं इन सब 300 बच्चों के लिए एक रेसिडेंशियल स्कूल बना सकूँ। लेकिन फंड न होने के कारण कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है। इन बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए मुझे आप सब लोगों की जरूरत है, तो प्लीज आगे आइए और मदद कीजिए।